Cricket Magic. रविवार का खूबसूरत दिन और आज के खूबसूरत दिन ओवल लंदन में चल रहा है साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश और वहीं आकाशवाणी के स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम क्रिकेट मैजिक और मैं कनिष्का त्यागी अपने सहयोगी आदेश कुमार गुप्त के साथ सुनने वालों का स्वागत करती हूं। नमस्कार। हमारे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए और क्रिकेट से जुड़ी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स, चेतन शर्मा जी, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपका स्वागत है चेतन। धन्यवाद। हरपाल सिंह बेदी जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। चेतन जी, अगर अब मुकाबले की बात की जाए सीधे सीधे तो बांग्लादेश का स्कोर 174 रन दो विकेट के नुकसान पर 27.1 ओवर हो चुके हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था दक्षिण अफ्रीका ने, क्या कहेंगे इस ताजा स्थिति पर? मुझे खुशी में ये है आदेश, अगर आप देखें श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मतलब एशियन टीम्स की हम बात कर रहे हैं, इवन अफगानिस्तान ने भी मैच खेल लिया है, तो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम थी जिन्होंने अभी तक 200 का आंकड़ा पार किया था, 105 पर आउट हो गए थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका ने बहुत खराब क्रिकेट खेली। और मुझे खुशी यह है कि बांग्लादेश जिस स्थिति में है वहां से प्रेडिक्टेड स्कोर कम से कम 325 रन नजर आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि टॉस हारा पहले बैटिंग आपको मिली और इन कंडीशंस के अंदर, हालांकि ओवल की विकेट हर समय मानी जाती है अच्छी है बैटिंग के लिए, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल हिल रहा है ऑफ द विकेट, घास है विकेट के ऊपर, तो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली अभी तक बांग्लादेश ने। जी बेदी सर, अगर सौम्य सरकार की बात करें, अच्छी शुरुआत करी, रबाडा का जो है उसके पेस का अच्छा यूज किया मगर फिर एक बाउंसर पर आउट हो गए। नहीं, आउट तो होना था मगर जिस तरीके से आपने कहा रबाडा का उसने किया, नेगोशिएट किया, कहीं ना कहीं रबाडा की मिथ को भी तोड़ा गया कि साहब बड़ी जबरदस्त बॉलर, ही इज ए गुड बॉलर, मगर अगर सौम्य सरकार जैसे प्लेयर जो 42 रन बना सकता है, कोई गलती होती है तभी बैट्समैन आउट होता है, जी, जी। मगर ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से नेगोशिएट किया रबाडा को, उसको प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरी एक और बात है, इसका दो टीमें हैं, बांग्लादेश को खोने को कुछ नहीं है, साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर है, पहला मैच हार चुका है, ये दो टीमें इसका है, और जिस तरीके से डोमिनेट किया है, अभी बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्या इसके जवाब कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, वो तो वक्त की बात है उसकी। कई बार आपने देखा आजकल ये हो गया है कि अगर आप 340 भी बना दें इट इज नॉट अ सेफ स्कोर, बट वी हैव सीन इन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में इससे पहले 300 स्कोर चेज किया गया था। मेरा ओवरऑल अपना ये मानना है कि ये मैच बड़ी क्लोज कंटेस्ट जा रहा है, पिछले चार मैच जो कि आपने देखे वर्ल्ड कप के निहायत वन साइडेड मैच से, ये शायद वो ना हो। और चेतन जी, आपको थोड़ा सरप्राइज है कि इमरान ताहिर ने जिस तरह से पहली ओवर से शुरुआत की थी, विकेट भी मिला था, आज कप्तान ने जो उनके चार तेज गेंदबाजों ने भरोसा किया, क्या ताहिर को देर से लाए? नहीं आदेश, हमें ये सोचा, हमें भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ आप खेल रहे हैं, जिनको स्पिन की आदत है उनको स्पिन से कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए उनको अगर कहीं ना कहीं परेशानी होगी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, वो तेज गेंदबाजी से होगी, ऑफ द विकेट मूवमेंट से होगी। अगर आप दूसरी कंट्री जो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते उनके खिलाफ अगर आप इनिशियल स्पिनर्स को लेकर आते हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ सबसे पहले ताहिर को गेंदबाजी करवाई, और बांग्लादेश के खिलाफ बनता नहीं है कि आप किसी भी स्पिनर को गेंदबाजी कराएं, तभी इन्होंने तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत की। जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट मैजिक और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे फोन नंबर्स पर फोन करकर 2342-1084 और 2342-1085, ये दिल्ली के नंबर्स हैं। जोर से ही लगा, ये सच होता साबित आ रहा है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, 101 रन की साझेदारी हो चुकी है, क्या आपको लग रहा है खतरे की घंटी बजनी शुरू? खतरे की घंटी तो हम अब जब वो शुरू करेंगे,
मगर अभी तक जो आपने कहा झटका, उनकी बॉलिंग को इन्होंने बता दिया कि उनकी बॉलिंग को खेला जा सकता है। जैसे आपने कहा ना कि उनके इमरान ताहिर स्पिनर बड़ा सुना था, देखिए आईपीएल और ओडीआई में बड़ा फर्क है। और मेरा जहां तक है ताहिर 4 ओवर तक ही ठीक है, इसमें कोई सेम, मगर जब भी देखा इमरान महंगा भी है। पिछली बार आपने जो उसने कहा विकेट ली है, मगर आपने 60 रन भी दिए। अगर आप 10-3 स्पिनर्स को ले आए जो एक एक विकेट ले जाओ और 60 रन दे दो, हो गया आपका 180 रन तो दे दिए। मेरा जहां तक ख्याल है इसका आपको अभी तक बांग्लादेश के बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी। विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी नर्वसनेस, दे आर बैटलिंग अगेंस्ट बेस्ट बॉलिंग। अब उनकी बॉलिंग कैसी होगी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के साथ, वो तो वक्त ही बताएगा। चेतन, एक सवाल आपसे कि रबाडा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी आईपीएल में, हालांकि 4 ओवर का गेम था, लेकिन आपको लगता है कि अगर उस तरह की फॉर्म कहीं वो हासिल कर लेते हैं और इंग्लैंड की जैसी कंडीशन है, तो फिर दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी? और करनी भी चाहिए। देखिए, आप अगर मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं, अगर आप ही कहते हैं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब नहीं हो रहे, तो कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताएगा? जैसे हम हर समय कहते हैं कि आपके पास 6 बल्लेबाज खेलते हैं, अगर वो 6 बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे आदेश, तो रन्स कौन बनाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है रबाडा का फॉर्म में वापस आना। कहीं ना कहीं रबाडा के ऊपर काफ़ी दारोमदार है। हमने देखा कि डेल स्टेन की हम बात करें, कहीं ना कहीं इंजरी को लेकर उनमें थोड़ी उनके सामने समस्या है, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत उच्च स्तर की है। अगर समस्या कहीं साउथ अफ्रीका की टीम में है, जो सॉफ्ट स्पॉट हम कहते हैं, वो बल्लेबाजी है, वो भी मिडल ऑर्डर में। अगर गेंदबाजी बिखर गई, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ अभी हालत है साउथ अफ्रीका की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको ये मैच जीतना। जी, और इसी के साथ कुछ कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन सकते हैं? जी देखिए, आप अपने शायद रेडियो सेट चल रहा है इनका। जी जी जी, उसका जो वॉल्यूम है प्लीज कम करिए और हमसे बात करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए फोन कॉल पर। हेलो हेलो मैम जी, नमस्कार जी। नंबर 4 के लिए राहुल। जी जी जी, हम समझ गए आपका प्रश्न, धन्यवाद कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं आदेश। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। क्रिकेट विश्व कप 2019 से जुड़ा क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जो इंडिया है उसका दूसरा मैच किसके साथ है? जी, इंडिया का दूसरा मैच की जानकारी हम आपको जरूर देंगे, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं जिनसे बात करते हैं आदेश। जी जुड़ते हैं उनसे। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताइए। सोनू बोल रहा हूँ सर, बिजनौर यूटी से। जी शायद आपका फोन कल भी लगा था। यस सर, मैं 2 दिन से लगातार कॉल कर रहा हूँ सर। जी तो इसका मतलब ये कि हमने सही पहचाना आपको, चलिए शुक्रिया आपका। जल्दी से कोई सवाल पूछिए। जी मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है, अगर 300 के पास स्कोर बचाए तो अच्छा खेल के जीत सकता है बांग्लादेश आज। जी देखिए, ये तो आपके एक्सपर्ट कॉमेंट्स है, उसके लिए एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा सर जी, सवाल कोई नहीं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक हमारे जो श्रोता हैं उनसे भी बात करते हैं। जी जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो, शायद इनसे संपर्क टूट गया है, मगर आदेश आपको भूलना नहीं होगा कि इंडिया में भारत में हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है। जी हाँ बिल्कुल। और जी वेदी सर, अगर आपसे पूछें, अभी ऐसा लग रहा है देखकर कि बांग्लादेश बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है। अभी जो हमारे कॉलर थे सोनू बिजनौर से, वो भी कह रहे थे बांग्लादेश जो है बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, ऐसे में हाशिम आमला की कमी महसूस होगी साउथ अफ्रीका? नहीं, मेरे हाशिम आमला तो लायबिलिटी है, नहीं इसे फैक्ट है। आप ये हाशिम आमला, इमरान ताहिर, सभी क्राइसिस सिचुएशन में बहुत रेयरली वर्ल्ड कप में हुआ। और ये बता दूं मैं भी, हम 28 ओवर हैं, ये चेतन भी एग्री करेगा कि कोई मैच का कोई पता नहीं होता कि कई बार अगर मिडिल ऑर्डर क्लैप्स हो जाए क्योंकि उनकी बॉलिंग है, मगर अगर वो नहीं होता और सब इस तरीके से चलेगा तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और एक और कनिष्का जी ये बात बता दूं, कोई भी टीम अगर ये कह दे, कोई भी टीम, कि सब एक प्लेयर होने की वजह से हमें फर्क पड़ेगा, वो टीम इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये 11 प्लेयर, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, नहीं रॉजर फेडरर नडाल खेल रहा है, 11 प्लेयर है, और जरूरी नहीं कि जिस प्लेयर पर आप डिपेंड करते हो हमेशा स्कोर करे। हाशिम, चलिए अगर हाशिम मामला होते भी, अगर वो सेंचुरी भी, आपको क्या पता था कि 0 पे ना आउट हो जाए या पिछले जैसे हुआ, तो मेरा यहाँ तक है ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को हर चीज़ से देखनी, आपको सिर्फ बैटिंग नहीं देखनी, सिर्फ बॉलिंग नहीं देखनी, आपने फील्डिंग भी देखनी है। फील्डिंग एक बार तो फील्डर ही आपको मैच जिता देते हैं, अननोन हीरोज होते हैं, वो 40 रन अगर बचा गए तो अगली टीम को 80 रन बनाने,
हालांकि उनका कोई रोल नहीं, मगर कई बार ऐसे ऐसे ब्रिलियंट कैच पकड़े जाते हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है अभी तक जो 182 रन बने हैं 29 ओवर में, अनलेस देयर इज सम सेंसेशनल क्रैक्स, तो ये तो 300 तक जाएगा। मगर मैं प्रेडिक्ट इसलिए नहीं करूंगा, क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बड़ा गलत होता है जी। और चेतन जी, हमारे एक श्रोता का सवाल था कि जो नंबर 4 की समस्या भारत की, क्या केएल राहुल के फॉर्म में आने से सुलझ गई है? और जहां तक भारत के दूसरे मुकाबले की बात है, तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि 9 तारीख को भारत का सामना दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से हुआ। जी चेतन जी, देखिए अभी तो प्रैक्टिस मैच में शतक उन्होंने बनाया है। मैं हर समय मानता हूँ कि आदेश, एक मैच से ना तो कोई प्लेयर बहुत बड़ा बनता है, ना ही एक मैच से कोई प्लेयर छोटा बनता है। इतनी जल्दी एक सोल्यूशन पे आ जाना कि एक मैच के बाद राहुल पूरे वर्ल्ड कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल में इस समय जो समस्या की हम बात कर रहे थे कि 4 नंबर पर खेलेगा कौन, समस्या नहीं मैं कहूँगा उसको, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको खिलाया जाए, विजय शंकर को खिलाया जाए, दिनेश कार्तिक को खिलाया जाए कि केएल राहुल को खिलाया जाए। अब जिसने परफॉर्मेंस दी है उसी को जगह मिलेगी, वो है केएल राहुल। वैसे चेतन जी, एक बड़ा ही मजेदार सवाल आपसे कि जिस तरह से सौरभ गांगुली ने कहा था कि क्या एक ऐसे बल्लेबाज को टीम में होना चाहिए नंबर 4 पर जो लंबे समय तक खेल सके, खैर इस पर हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इशारा है कि एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। जी कनिष्का, बात करते हैं। हेलो हेलो, बैठे सब लोगों को प्रणाम। जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। मैं संदीप बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है, सवाल मेरा ये है, 312 रनों का टारगेट दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड के विरुद्ध मिला था जी, 300 जी, आज काफी अंतर से दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा रहा जी, और ये मैच में बांग्लादेश 300 के करीब पहुंचता हुआ है, 200 के आसपास पहुंच गया है। तो मेरे हिसाब से 280 रन भी बांग्लादेश बना लेता है तो दक्षिण अफ्रीका ये मैच जीत नहीं पाएगा जी। चलिए, आपने अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और श्रोता है, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो मैम, मुझे बात करनी है। जी आप कर सकते हैं बात, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो मैम। जी जी बताइए, आपका नाम क्या है। मैम मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं ब्लाइंड हूँ। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बताइए कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मैम मुझे बहुत सबसे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज पहली बार कॉल लगा है मैम मेरा। बहुत बहुत बधाई, और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ विनोद, हम भी बहुत खुश हैं जब आप जैसे हमारे जो सुनने वाले हैं, कदरदान हैं, वो फोन करते हैं, बहुत खुशी होती है। बताइए कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मैम मुझे चेतन शर्मा से सवाल पूछना है। जी सुन रहे हैं जी, बताइए विनोद। सर मुझे सवाल ये पूछना है कि 1983 का जो विश्व कप हुआ था कपिल देव की कप्तानी में जी, सर उसमें आपने कितने विकेट लिए थे? 1983 का वर्ल्ड कप मैं विनोद नहीं खेला था, मैं 1987 का वर्ल्ड कप खेला था जिसके अंदर मेरी हैट्रिक थी, जो वर्ल्ड की पहली हैट्रिक थी। 1983 में मैं बहुत छोटा था विनोद, और 1987 वाला वर्ल्ड कप खेला था। तीन गेंदों पर 3 विकेट थी जिसको मैट्रिक कहते हैं, और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में था 1987 में, और वो वही मैच था विनोद जिसमें सुनील गावस्कर जी ने भी शतक बनाया था, और मैन ऑफ द मैच हम दोनों ने शेयर किया था। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तो बात के जितने मैच की कमेंट्री आएगी? जी आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को जिसमें हम क्रिकेट से जुड़ी सारी बातें कर रहे हैं, और वैसे भी हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, आप सुनते रहिए, आपको सारी जानकारी क्रिकेट से जुड़ी आकाशवाणी के चैनल्स पर मिलती रहेगी। फिलहाल एक और कॉलर है आदेश, उनसे बात करते हैं। जी जुड़ते हैं उनसे। हेलो। हेलो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जरा तेज बोलिए और अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम अमन है जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के मैच में कितना प्रेडिक्टेड स्कोर बनाएगी बांग्लादेश। जी देखिए, जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है तो हमारे एक्सपर्ट का वादा है कि 300 या 300 से ज्यादा का स्कोर बन सकता है। कोई सवाल आपके मन में? सर हम जानना चाहते हैं इंडिया के मैचेस की कमेंट्री आप आइए आकाशवाणी से। जी देखिए, बहुत गंभीर प्रयास जारी है, और जैसे ही ये प्रयास कामयाबी भी बदलेंगे जरूर हम कमेंट्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बाकी एफएम रेनबो पर आप अपडेट और तमाम कार्यक्रम सुन सकते हैं। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है आदेश, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं शहादत बोल रहा हूँ मैडम। शहादत बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए शहादत क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया मैडम, बताइए सवाल है कोई आपका। मेरा सवाल है चेतन शर्मा जी से। जी जी मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश की टीम क्या 300 पर का ही गवाएगी?
उम्मीद तो ऐसी लग रही है अभी तक, अगर हम परिस्थितियां देखें जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, अगर इस समय मुझे तो ऐसा लगता है कि 300 के आसपास पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज अच्छा हो और ओवर्स अभी बचे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात बांग्लादेश के लिए ये है कि उनके पास विकेट्स बाकी हैं। और चेतन जी एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा था, जिस तरह से लगातार विकेट गिरते रहे, कम रन बने, तो सौरभ गांगुली की बात मुझे याद आई कि टीम में कोई ना कोई चेतेश्वर पुजारा जैसा खिलाड़ी जरूर होना चाहिए। देखिए हर की अपनी अपनी सोच है देश, चेतेश्वर पुजारा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें, एक दफे से मैचेस आता है तो दूसरों के लिए भी कुछ मौके अगर हम छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ तो वनडे क्या 2020 के स्टाइल से भी बहुत बुरी हालत रही। बेदी साहब आप ये देखिए कि ये शायद ऐसा पहला विश्व कप है जिसमें लगातार इस तरह के परिणाम आए कि बहुत ही पूरे 100 ओवर भी टीमें नहीं खेल पाई। पिछले 3-4 मैच तो ऐसे ही है देखा जाए तो कुछ ओवर तो हुए ही नहीं। अब चारों मैच देख लें, पहला मैच से लेके देख जाए, एक मैच जो 34 ओवर 35 ओवर में खत्म हो गया था। मेरा ओवरऑल देखा जाए अभी तक वो वर्ल्ड कप की वो बिल्डअप नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। मेरे ख्याल आज जो मैच है जिसके हम सब एग्री करते हैं अभी तक कि अच्छी बैटिंग हो रही है, दे विल पुट अप ए वेरी गुड स्कोर, जैसे चल रहा है क्लैश वगैरह हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अगर ये 300 के ऊपर करते हैं तो इट वी थिंक कि साउथ अफ्रीका के पास इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है कि वो उसको चेज कर सकें, इसको आगे कर सकें। और देखना उसको पता चलेगा टेस्ट होगा बांग्लादेश की बॉलिंग का, तो आज दो टीमों का उनकी बैटिंग टेस्ट होगी जिनकी साउथ अफ्रीका की और बांग्लादेश की बॉलिंग टेस्ट होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना जो करना था अभी कर रहे हैं उनके बैट्समैन, अब उनके बॉलर्स पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने अभी कुछ नहीं किया मगर बैटिंग पर बॉलर डिपेंड कर रहा है, तो मेरे ख्याल अब ज़्यादा प्रेशर होगा साउथ अफ्रीका के बैट्समैन का कुछ चेंज करें। और कितना ये रन देंगे ये तो अब टाइम ही बताएगा, मगर अभी देखिए 20 ओवर है और जैसे अभी चेतन ने कहा 8 विकेट उनके पास है, दे कैन टेक नाउ चांस कि अगर 200 के बाद वो चांस ही लेंगे, क्योंकि अब ओवर्स को तो अपने एफडी में जमा करना नहीं है, विकेटों को उन्होंने खेलना ही है। तो अगर अब आप 250 के बाद कोई विकेटें गिरती हैं तो ये बॉलर का कमाल नहीं होगा, ये भी याद रही है, ये बैट्समैन का ही होगा कि दे आर गोइंग टू थ्रो द विकेट जस्ट टू गेट द रन। और चेतन जी अब थोड़ा सा क्यों ना कल के मैच की बात की, कल मैच था जैसा कि हम सब जानते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी प्रदर्शन रहा और श्रीलंका का जो बैटिंग ऑर्डर है वो धराशायी हो गया, जो स्कोर है वो रहा 136 रन बनाकर ही श्रीलंका 30वें ओवर में ऑल आउट हो गए, और वहीं न्यूजीलैंड ने इस टारगेट को, इस लक्ष्य को सिर्फ 17वें ओवर में ही पार कर लिया था आदेश, और वो भी बिना किसी नुकसान के। तो चेतन आपको लगता है कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन न्यूजीलैंड का? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं आदेश, अगर आप 10 विकेट से मात देते हैं किसी टीम को और वो भी श्रीलंका, देखिए श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियंस है, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नई एंट्री है उनकी वर्ल्ड कप के अंदर और आपने ऐसी टीम को हराया कि 10 विकेट से आपने मात दी है, और कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, मतलब जिस तरह गेंदबाजी की है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने, हेनरी की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, मतलब किसी भी टीम को अगर 136 पे आउट कर दें आदेश और उसके बाद आप उस स्कोर को चेज कर दें, ओपनर्स की भी तारीफ करनी होगी, दोनों ओपनर्स ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, मुनरो की बात करें, गुप्तिल की बात करें, तो ऐसे मैचेस जब आप जीतते हैं ना ये कॉन्फिडेंस देता है आपको, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, अगर आप टाइट मैचेस जीते ना तो कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, तो ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगा श्रीलंका को। तो बेदी साहब आपको लगता है कि न्यूजीलैंड जो कि पिछले विश्व कप की रनर्स अप थी, बिल्कुल सही दिशा में जाते हुए स्टार्ट किया, 6 बार सेमीफाइनल पहुंचे हैं, मतलब कुछ तो टीम में दम है और आपने वन साइडेड मैच और इन्होंने वेकअप कॉल दे दी इंडिया को भी, मेरे ख्याल इन्होंने इंडिया फेवर अगर देखा जाए तो हराने के बाद फेवर किया कि भाई इतना ठीक है यू, जैसे इंडिया इज कंसिडर वी फ्रंट रनर, इसका कंटेंडर है, उनको बता दिया कि इतना कोई आसान नहीं होगा, उसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मैच है ज़्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मगर जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड खेला कंप्लीट टीम और अंडरडॉग्स है, एक फायदा उन पर है, जो टीम अंडरडॉग है उसको बड़ा फायदा है, हार गए तो हार गए, जीत के तो आगे बढ़ेंगे, 6 टाइम सेमीफाइनल, इस बार फिर अगर सेमीफाइनल पहुंचेंगे तो कोई हैरानगी नहीं होगी। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है।
फिलहाल आदेश पूरे विश्व की नजर एक ही तरफ है, विश्व कप 2019 की ट्रॉफी पर सबकी नजर है। जी हाँ बिल्कुल, और लंबे हाथ ऑस्ट्रेलिया के क्योंकि 5 बार के चैंपियन और 7 विकेट से उसने जीत के साथ शुरुआत की। लेकिन उससे पहले एक लिसनर से जुड़ जाते हैं और जानते हैं कि कौन है। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिंस है। नमस्ते प्रिंस, कहिए क्या हाल है आपके? ठीक है हाल सर। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे लगातार? यस सर। तो अब आप जल्दी से सवाल पूछिए। सर आज प्रैक्टिस के टाइम विराट कोहली को चोट लग गई, क्या वो 5 तारीख तक ठीक हो जाएंगे? अजी वो आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे, उसकी चिंता छोड़िए। आप फिलहाल बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला चल रहा है उससे जुड़ा कोई सवाल पूछिए। मैम सर आज आपका अच्छी पारी खेलेंगे और साउथ अफ्रीका जीतेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वैसे जो चिंता है वो बिल्कुल बहुत बनती है चिंता करना। एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं दिल्ली से गोधन सिंह बात कर रहा हूँ। मैं ब्लैंड हूँ मैम। जी सिंह साहब बताइए, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं? जी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मैम। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था मैम जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि पहला वर्ल्ड कप कौन से सन में हुआ था और कौन सी टीम ने जीता था? जी देखिए, पहला विश्व कप साल 1979 में हुआ था और 75 में, और उसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। और 79 में जो दूसरा हुआ वो भी इंग्लैंड में हुआ, क्षमा कीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा 4 साल का गैप रख गए, और उसे भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। और कृपया आप इतने भारी भरकम सवाल की जगह प्लीज प्लीज आप इस मैच से जुड़े सवाल पूछे तो अच्छा होगा। खैर फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए शायद अगले जो श्रोता है वो कुछ इतना भारी सवाल नहीं पूछेंगे। हेलो 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 जी, सुन सकते हैं हम आपको क्रिस्टल क्लियर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम, मैं तेलंगाना राजस्थान से रेडिकेट से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहेंगे? मैडम आईसीसी कमेंट आ रहा है मैडम। जी आपका सवाल हम सुन नहीं पाए। वर्ल्ड कप का कमेंट आ रहा है। चलिए शायद इनसे संपर्क हमारा टूट गया। एक और कॉलर है आदेश, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। नहीं उनसे भी शायद संपर्क टूट गया है। बेदी सर बात कर रहे थे श्रीलंका की, कि श्रीलंका जो है धराशायी हो गया, न्यूजीलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया, मगर वहीं हमें एक बल्लेबाज है श्रीलंका के करुणारत्ने, उनकी बात जरूर करनी चाहिए। एंड तक जब आप देख रहे हैं एक एंड पे खड़े हुए कि विकेट पे विकेट मेरी टीम के गिरते जा रहे हैं, फिर भी वहां खड़े रहना, 52 का उन्होंने स्कोर बनाया, कनिष्ठा जी एंड क्या पूछा एक आम आदमी, क्या हुआ श्रीलंका हारी? ज्यादा कोई एक्सपोजर, किसने हारी, कितना हारी, 10 विकेट हारी, अगला पूछने बंद कर दिया। एक टीम गेम है, सब टीम परफॉर्म नहीं करेंगे। एक आदमी का अगर आप फुटबॉल देख लें, किसी ने 7 गोल मारे दूसरे ने 1 मारा, तो एक को तो कोई वैल्यू नहीं रहती। इस प्लेयर की आपने जिस लिहाज से किया तारीफ की, मगर दूसरों ने इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, ना बॉलर ने कॉम्प्लीमेंट किया, ना बैट्समैन ने किया, ना फील्डर ने किया। और इसकी बैटिंग में यह भी बता दिया है कि ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं थी न्यूजीलैंड से, इतना कोई ऐसा नहीं था कि कोई तबाही थी बीच में या उनकी बॉलिंग में। अगर ये कर सकता था बाकी नहीं कर सकते, नहीं कर सके, इसका मतलब कंप्लीट फेलियर थी टीम का, एक प्लेयर की कंट्रीब्यूशन हेल्प नहीं कर सकी टीम। जी चेतन सर फेलियर तो कह रहे हैं बेदी सर, मगर फिर भी आपको कोई ऐसा किस्सा याद है जब आप एक एंड पे खड़े थे और वहां सामने विकेट पे विकेट गिर रहे थे? कुछ तो लगता होगा अंदर खिलाड़ी को, मुश्किल है राहें मगर मुझे संभाले रखना है। देखिए ऐसा इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो बैटिंग इतनी पीछे करता था कि इतना मौके आपको बहुत कम मिले हैं। लेकिन अगर आप परेरा की बात करें, अभी कल की मैच की आप बात कर रहे थे करुणरत्ना के साथ, उन्होंने जाकर पीछे रन बनाए, साझेदारी बनाई, इससे एक सीख मिलती है श्रीलंका को कि अगर हमारे पिछले बल्लेबाज एक भी जाकर 25 26 27 रन बनाता है तो हम भी बना सकते हैं। देखिए आपसे गलती हुई कोई बात नहीं, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं, पहला ही मैच आप हारे हैं, लेकिन एक मैच हारने
के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़े मार्जिन से हारे हैं और कितना नजदीक मैच हारे हैं। जब आप नजदीक मैच हारते हैं ना तो कुछ ज्यादा आपको दुख जरूर लगता है, लेकिन वो ज्यादा चिंता ही नहीं होती ड्रेसिंग रूम के अंदर। ऐसा मैच जहां आप 10 विकेट से हार जाए वहां पर डेफिनेटली बहुत मंथन की जरूरत है श्रीलंका को, बहुत मंथन की जरूरत है पाकिस्तान को, इवन साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को 103 रन चाह रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो आज भी साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं बहुत टाइट सिचुएशन में है, क्योंकि जिस गति से बांग्लादेश 6 रन से ऊपर पर प्रति ओवर में बना रहा है और अभी 7 विकेट साथ में है, तो मतलब आप कनिका सच माने मुझे तो ये 350 से ऊपर रन नजर आ रहे हैं जिस तरह की स्थिति चल रही है। और बेदी साहब पहली बार दिल की धड़कनें थोड़ा सा ऊपर नीचे होती, वरना तो वो तो बैठी हुई थी कि वन साइडेड मुकाबले थे। लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि 5 बार की चैंपियन है उसने शानदार शुरुआत की, वार्नर अच्छी फॉर्म में है, कप्तान आरोन फिंच, और इसी के साथ एक संक्षिप्त टिप्पणी क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने में थोड़ा सा समय बाकी है, जो कल मुकाबला होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का किस तरह का मुकाबला होगा के लिए भी और इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड टाइटल कंटेंडर है, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइटल कंटेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम, और पाकिस्तान को अगर रहना है दो, अगर फिर हार जाते हैं तो 2 टीमों से हार के बाद रिकवरी करना, फिर उसके बाद बड़ी टफ मैच आ गई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कल का मैच इज वन ऑफ द बेस्ट मैच, गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैच। इस मैच का अगर देखा जाए तो आगाज कल से टाइटल कंटेंडर और एक ऐसी टीम जिसको सर्वाइव करना है, जिसकी पीछे बड़ी ब्लाइंड फॉलोइंग है और एक बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के साथ। इनके जो सपोर्टर हैं इतनी भयात गालियां निकालना शुरू करते हैं, डिमोरलाइज आधी टीम को वही डिमोरलाइज कर लेते हैं, ये फैक्ट है। तो मेरा जैसा है कल जैसे आपने मैच का पूछा गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट मैचेस अगर चल होगा, क्योंकि इंग्लैंड को पूरा अपनी फायर पावर दिखानी पड़ेगी और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दम है। चेतन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से शुरुआत की 7 विकेट जीत के साथ, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन मुझे खुशी कहाँ हुई कि अफगानिस्तान ने लड़ाई की, 200 रन बनाए। देखिए अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया को आप बात करें तो, लेकिन सबसे खुशी की बात तो जो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में इसमें होगी कि उनके फिंच के रन बने, वार्नर ने रन बनाए, स्मिथ बेशक जल्दी आउट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अफगानिस्तान में बार बार कहता है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज ये दो ऐसी टीमें हैं, ये किसी ना किसी बड़ी टीम को एक दिन जरूर ले डूबेंगी। और अभी आप बात कर रहे थे आदेश कि ये मैच टाइट हो सकता है, 311 रन बनाए थे इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 103 रन से हारे थे। तो बांग्लादेश ने तो अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अब हमें क्या मालूम साउथ अफ्रीका पता लगा 150 में आउट हो गई। जी जो कल का मैच है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, वेदी सर, वो आपको लगता है बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जो इंग्लैंड है वो इतना बड़ा बड़ा स्कोर बना रही है, 500 अगर कोई स्कोर बनाएगा तो बात हो रही है यही टीम बनाएगी, क्या कल बन सकते हैं? नहीं, 500 का तो खैर मैं नहीं कहता, प्रेडिक्ट नहीं करता था, मगर यही मान के चलते हैं, और आई एग्री विद एवरीबॉडी कि जो कहते हैं इस टूर्नामेंट सबसे प्रबल और सबसे कंफर्टेबल कंपोजिट टीम जो है इंग्लैंड, उसके बाद भारत। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय, इसलिए दो टीमों को कहा जाता है कि परफेक्ट टीमें हैं, जो कॉम्बिनेशन जो भी आपको चाहिए इन दो टीमों में है, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज ये है इंग्लैंड के एट होम खेल रहे हैं, और उसके बाद भारत आप बैटिंग ले ले, बॉलिंग ले ले, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में ये दो टीमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर। और चेतन आपको लगता है कि मुस्तफिजुर रहीम जो कि बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, और इसके अलावा साकिब अल हसन का अनुभव, ये दो गेंदबाज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर साकिब अल हसन की आप बात करें, ICC रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, और देखिए उसको प्रूव कर रहे हैं, इस समय बैटिंग कर रहे हैं, 67 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 75 गेंदों का सामना किया, और आपने बाएं हाथ मुस्तफिजुर की बात की, क्या बढ़िया गेंदबाज है, मतलब दमखम है, मुर्तजा है उनके पास, रुबेल है और साकिब अल हसन है, तो यकीनन बहुत ही बढ़िया चीज है। और बांग्लादेश 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 33 ओवर है देश और 17 ओवर अभी बाकी है, 7 विकेट हाथ में है, 8 विकेट माफ कीजिए हाथ में है, तो मुझे तो यहाँ से 350 नजर आ रहा है। जी चेतन सर, बेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए, हमारे श्रोताओं से बातें करने के लिए, और शुक्रिया श्रोताओं का हमें सुनने के लिए। मैं कनिष्का त्यागी अपने सहयोगी आदेश कुमार गुप्त के साथ आप सबसे कहती हूँ धन्यवाद। साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज, सिखा देंगे तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज, सिखा देंगे
अंधेरों के। क्रिकेट मैजिक प्रस्तुत करता प्रवीण चंद के साथ सुधीर रजौरिया।